हेलो ब्रीवन, न्यूमेरिकल है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से। फोर रजिस्टर ईच ऑफ द रजिस्टेंस कह रहा है, चार रजिस्टर है और सबके रजिस्टेंस कितने हैं, वो 5 ओम के हैं। R1 = 5 ओम, R2 = 5 ओम, R3 = 5 ओम, R4 = 5 ओम। ऐसे चार रजिस्टेंस हैं अपने पास, फोर रजिस्टेंस हैं अपने पास और कितना है, तो ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका फार्मूला क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ये पैरेलली अगर कनेक्टेड हैं तो यही फार्मूला होता है। ये हमने करवा रखा है पूरा ये डेरिवेशन। तो 1/RP = 1/R1 की वैल्यू कितना है, 5 है। 1/R2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1/R3 की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1/R4 कितना है, 5 है। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो RP = कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। RP = कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा ओम, ये आ जाएगा। चलो इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं। हमने कहा था कि जब कभी भी पैरेलली बहुत सारे कनेक्टेड होंगे, सेम रजिस्टेंस ऐसे ऐसे कनेक्टेड होंगे, मान लो n रजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो गए और सब पैरेलल में हैं, सब कैसे हैं, पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड हैं, तो इनका आर नेट का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा R/N हो जाएगा, R/N। अगर लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, हर एक रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं वैलिड है। तो आर नेट कैसे नेट निकाल रहे हो, जब पैरेलल में लगा हुआ है, कैसे, पैरेलल में। तो सब के सब कितने थे, 5 ओम के थे, तो 5 रख रहे थे और कितने रेजिस्टेंस थे, 4 लगे हुए थे, तो 4, तो भी देखो 1.25 ओम आ जाता। ठीक है, तो ऐसे एक झटके में ये फार्मूला अगर याद है तो आप सॉल्व कर सकते थे, अगर नहीं याद है तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, सिंपली मेथड स्टेप बाय स्टेप आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो इस न्यूमेरिकल को।